खैर साहब कोई बात नहीं, आप मुझसे जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। बड़े देखिए, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी को हंसाना। तो मैं उस काम में अगर कामयाब हो जाऊं, सीधे सीधे शेरा डालूं, फासले सबके सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं। क्या कह रहे हैं? फासले सबके सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं और लेके उड़ जाऊं इन हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। लेके उड़ जाऊं इन हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं। अच्छा मेरी जान, कैमरामैन फोकस करो, ये था वो। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, अरे वाह, बहुत शुक्रिया। देखो ये होता है वायरल शेर, उन्होंने सामने से याद दिला। बहरहाल एक साहब अभी टहल रहे थे, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। सुने कि एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, वाह मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। क्या कहने, वाह 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 वाह, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। अब शेर सुने कि राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। देखो साहब, सुरैया मेरी फेवरेट डिश है, और मैं शेर पढ़ता हूँ यहाँ से, चार मिसरे और जो सुने साहब। शेर हुआ के तमन्ना का प्याला भरा 50-50, वाह वाह वाह, तमन्ना का प्याला भरा 50-50, हुआ इश्क मेरा खरा 50-50, वाह भाई वाह वाह, क्या कहने, हुआ इश्क मेरा खरा 50-50, और सुरैया का अब्बा है कोमा में कल से, सुरैया का अब्बा है कोमा में कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50। बहुत अच्छा है, वाह, मरा तो है लेकिन मरा 50-50, क्या कहने, सुरैया का अब्बा है कोमा में कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50। और देखो ये चार मिसरे सुनो के, आओ कर ले कोर्ट मैरिज ऐ मेरी जाने गजल, क्या कहने हैं, आओ कर ले कोर्ट मैरिज ऐ मेरी जाने गजल, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो, वाह, उससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो। और सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने मियाँ, एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छा है, वाह। सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने मियाँ, क्या कहने, एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो। असल में दोस्तों ऐसा है, एक साहब जो है बीमार हो गए, अपनी बीवी से बोले कि मुझे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाओ। बोली हाय अल्लाह, जानवरों के डॉक्टर के पास क्यों? शोहर बोला मैं सुबह मुर्गे की तरह उठ जाता हूं, फिर घोड़े की तरह भाग भाग के ऑफिस जाता हूं, फिर वहां सारे दिन गधे की तरह काम करता हूं, घर में आके तोते की तरह तुम्हारे सामने हाजी हाजी करता हूं,
और रात को भैंस के साथ सो जाता हूं। मुझ में कौन से हालात इंसानों वाले हैं। खैर बहरहाल देखो दोस्तों, अरे बच्चों बेटा सुनो, अरे सुनो सुनो इधर देखो, तुम्हारे से बड़ा बच्चा तो मैं हूं, बैठ जाओ। देखो आपने डबल लोल की फिल्में देखी होंगी, देखिए मैंने वहां से क्या शेर बनाया। शेर हुआ कि आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं। क्या कहने, आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे पाप समझ लेते हैं। बहुत अच्छा है। और इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनका एक शेर है, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। वाह। दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, तो मैंने क्या शेर बनाया, आओ अब्बा। लगता है कि आ जाऊंगा मैं दस्ते अजल में, वाह। नज्मों में मजा है ना कोई लुत्फ गजल में, वाह वाह वाह। और किस तरह करूं तुझसे मैं इजहार मोहब्बत, अब्बा तेरे डंडा लिए फिरते हैं बगल में। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। वो शेर जो मैं आपको सुनाना चाहता था, शेर सुने कि लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूँ। क्या कहने, लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूँ, चक्कर में कहीं पेट के इज्जत ना चली जाए। वाह वाह वाह। चक्कर में कहीं पेट के इज्जत ना चली जाए, और ससुराल में पहुंचा तो मेरी सास ये बोली, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। ससुराल में पहुंचा तो मेरी सास ये बोली, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए। और ये भी शेर सुन लो कि जो कहें साले वही मंजूर होना चाहिए। वाह। जो कहें साले वही मंजूर होना चाहिए, सास के आगे जरा मजबूर होना चाहिए। बहुत अच्छा है। और मार कर बेलन मेरे सर पे ये बेगम ने कहा, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। वाह 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 वाह। और ये एक छोटी सी नज़्म सुन ले जिसका अनुमान है रिश्वत। सुने के एक पुलिस वाले की बीवी ने दिखाया ये कमाल। क्या कहने, मुझे याद आया पुलिस पे एक शेर, पहले ये इसके चार मिसरे सुन लो कि मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आ जाती। वाह। मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती। बहुत अच्छा है। और पुलिस वालों में मुझ में फासला बस दो कदम का था, अगर मैं हाथ आ जाता तो नानी याद आ जाती। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। अगर मैं हाथ आ जाता तो नानी याद आ जाती, तो नानी याद आ जाती। और देखो ये चार मिसर मेरे और याद आ गए कि मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया। क्या कहने, चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया, और पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं दो मिनट में रेल से आगे निकल गया। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। मैं दो मिनट में रेल से आगे निकल गया। वो नज़्म सुन लें, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। कि एक पुलिस वाले की बीवी ने दिखाया ये कमाल, वाह, जेब से सरकार की सरका लिया थोड़ा सा माल। क्या कहने, वो ये समझी थी सनम इससे शायद बेखबर, ऐसा करते पड़ गई शोहर की बीवी पे नजर। बहुत अच्छा है। बोला शोहर याद रखना एक पुलिस वाला हूँ मैं, तुमको इसके जुर्म में अंदर करा सकता हूँ मैं। क्या कहने? बीवी बोली दे के 100 का नोट ये रख लीजिए, और मामले को रफा दफा बस यही कर दीजिए। वाह वाह वाह।